एक बार फिर नहीं झेल पाई दबाव साउथ अफ्रीका। शोएब अख्तर ने क्यों कहा अफ्रीका को चोकर्स, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के बीच खेला जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीदरलैंड के खिलाफ हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, उसने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम एक बार फिर से ICC टूर्नामेंट में दबाव को नहीं झेल पाई। इस पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अफ्रीकी टीम को चोकर्स कहा। उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका पर नीदरलैंड की जीत के बाद अख्तर ने ट्विटर पर वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका वाले बहुत बड़े चोकर्स हैं। आप चोकर्स इसीलिए हैं कि आपने पाकिस्तान को मौका दिया है। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने का हकदार नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को एक जीवनदान मिल गया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नीदरलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बनाए। अफ्रीकी टीम के सामने 159 रन का लक्ष्य था, लेकिन वह 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। शुरुआती मैचों में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले उसके खिलाड़ी अहम मैच में फेल हो गए। अफ्रीकी टीम बड़े टूर्नामेंट के दबाव को एक बार फिर नहीं झेल पाई, वह फिर से चोकर साबित हुई।